दोस्तों आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है आरबीआई के द्वारा, आज हम उसमें बात करेंगे। और ये डेवलपमेंट हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में डिटेल वीडियो हमारे इस आई बटन से जाके आप देख सकते हैं। जो लोग पहले, जिन लोगों ने पहले से बुक पढ़ी है या वीडियो देखा हुआ, उन्हें पता है प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। ब्रीफ में अगर मैं बात करूं तो सरकार अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे सेक्टर चुनती है जिसमें उसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, उसको अगर हम कहें तो उसी को हम प्रायोरिटी सेक्टर के नाम से जानते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो कि बैंकों के थ्रू आरबीआई कंपेल करता है कि इतना टारगेट आपको पूरा करना है, उस टारगेट में बैंक ने कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट किए हुए हैं। उस लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो बात आ रही है वो सबसे पहले आ रही है, जो भी नए स्टार्टअप हैं या एग्रीकल्चर यूनिट हैं उनको बहुत गौर करके सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। चलिए देखते हैं वो चेंजेस क्या हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे ये आरबीआई का सर्कुलर नजर आ रहा है जो कि 4 सितंबर 2020 का है, यानी कि आज का सर्कुलर। उस सर्कुलर में आरबीआई ने रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है, और जो पुरानी जितनी गाइडलाइंस है वो तो वही है, जो रिवाइज किया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस डेवलपमेंट का या इस चेंजेज का या इस रिवाइज होने का जो गवर्नमेंट का सोचता है, उसने बोला हुआ है इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज, यानी राष्ट्र की जो नई प्रायोरिटीज आ रही है उनके बारे में, और सार पर फोकस करना है कि लोगों पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है जिसमें सब लोग शामिल हों, पूरी एक सोसाइटी कंट्री जब शामिल होके कोई डेवलपमेंट करती है तो उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। और आफ्टर हैविंग वाइड रेंजिंग डिस्कशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर से मतलब यह है कि उससे लिंक्ड, उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन सब को लिंक करते हुए, उनसे डिस्कशन करते हुए ये गाइडलाइंस जो है नई आई हुई हैं। इन गाइडलाइंस का जो आने का कारण है वो है इनेबल बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन टू क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज, यानी कुछ कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी तक प्रॉपर जो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन है या क्रेडिट का पेनिट्रेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है, और इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को बहुत टारगेट किया हुआ है। उसके साथ साथ जो वीकर सेक्शन है प्रायोरिटी सेक्टर के अकॉर्डिंग, वीकर सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी शामिल करते हुए उन लोगों को बूस्ट क्रेडिट टू रिन्यूअल एनर्जी, उसके अलावा क्या है जो रिन्यूअल एनर्जी में कुछ क्रेडिट और बढ़े, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो इसमें चार चीजें निकल के आई है। एक तो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड वीकर सेक्शन। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए हो गया, वीकर सेक्शन सोसाइटी के किसी भी तबके का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे एमएसएमई में हो, चाहे किसी में हो। और रिन्यूअल एनर्जी का जो क्रेडिट है उसको बूस्ट करना है कि उस पे क्रेडिट बहुत बढ़ जाए, उसके साथ साथ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई है। इस डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया है, बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ तक के जो लोन्स हैं स्टार्टअप के वो, उसके अलावा लोन टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन सोलर पावर प्लांट फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एग्रीकल्चर पंप हैं वो सोलर के थ्रू चलाने के लिए इसको प्रमोट किया गया है। एंड लोन्स फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस, तो जो बायोगैस के, जो कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट हैं उनके सेटिंग करने के लिए, उनको इंस्टॉल करने के लिए, उनके लिए उनको भी क्या है प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड करा हुआ इस 50 करोड़ की लिमिट में। और उसके अलावा ये जो चीजें हैं वो फ्रेश कैटेगरी में इसमें एलिजिबल करी है कि ये अगर कोई इन चीजों पर भी करता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में होंगी 50 करोड़ तक की, यानी एक रेंज बहुत बढ़ा दी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जो सेलेंट फीचर हैं, क्या क्या इस स्कीम्स में फर्क पड़ेगा। पहली बात है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज से मतलब है कि कई जगह क्या है कुछ विशेष इलाकों में कुछ कमियां रह गई, ठीक है, वहां पे प्रायोरिटी सेक्टर का फ्लो जो है हायर करने के लिए, हायर वेटेज देने के लिए किया गया है,
और टू इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट वेयर द प्रायोरिटी सेक्टर, और इससे क्या होगा जहां पर अभी तक कम था उस पर गौर होगा इससे, इस गाइडलाइन से। उसके बाद टारगेट प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड वीकर सेक्शन, जैसे हमने ऊपर टॉप में पढ़ा था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए भी और वीकर सेक्शन के लिए भी, आर बीइंग इंक्रीज्ड इन ए फेज्ड मैनर। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेंगे, यानी नेक्स्ट अनाउंसमेंट आएगा इसमें प्रायोरिटी सेक्टर की लिमिट बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट है, हायर क्रेडिट लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन हुए और एक कंपनी, कंपनी बहुत कॉर्पोरेट तरह की हो गई। अंडरटेकिंग फार्मर विद द एश्योर्ड मार्केटिंग, अब क्या मतलब है इसका, एक तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे वो कंपनी जो फार्मर का प्रोड्यूस को पहले से तय समय पर तय रेट पे लेने के लिए तैयार हो जाती है, अभी फसल हुई भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो चाहे उसका कुछ भी यूज करे। ठीक है, उसके बाद है लोन लिमिट फॉर रिन्यूअल एनर्जी हैव बीन इंक्रीज डबल, जो रिन्यूअल एनर्जी पर जितना लोन लिमिट थी उसको डबल कर दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर में। और अगला है हेल्थ इंश्योरेंस की बात, क्योंकि जब हम की पॉइंट पढ़े थे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस फोर्थ पॉइंट था, उसके लिए क्या बोला उन्होंने, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिट फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दोज अंडर आयुष्मान भारत हैज बीन डबल्ड। तो अगर हम इस पूरे सर्कल को जिस्ट करें तो इसमें जिस्ट में देखो चार बातें निकल के आई है, सबसे पहले जो रीजनल डिस्पैरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना, दूसरी बात उन्होंने करी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर और वीकर सेक्शंस की लिमिटें इंक्रीज की जाएंगी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में आने के लिए, अगली उन्होंने बात करी कि जो FPO हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी लिमिट जो है उनको ज्यादा क्रेडिट देने के लिए वो की बात करी गई है, और ऐसी कंपनियां जो उनका प्रोड्यूस खरीदने के लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट करती है उनके लिए भी बात की गई है। अगली बात की गई है इसमें रिन्यूअल एनर्जी का जो लिमिट था वो क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी क्रेडिट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम करेगा हॉस्पिटल वगैरह बनाएगा उसके लिए चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत बनाए उनके लिए भी जो लिमिट है वो डबल कर दी गई है। ये जितनी जानकारी थी ये प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में ओरिजिनल वीडियो में जो डिटेल में दिया गया ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, ये आपके एग्जाम्स के लिए आपके IAS PCS बैंकिंग कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है, और इसका डिटेल्ड आगे जो भी आएगा हम उसकी सीरीज बनाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।